अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द बज लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने अपनी बेटी के लिए करी है। ईद की शॉपिंग थोड़ी बहुत करने के लिए गए थे हम लोग, और मार्केट जाने से पहले बारिश हो गई थी, मुझे 6 बजे तक बस जाना था क्योंकि 6 बजे मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं ऑफिस से। तो मैं देख रही थी बाहर की हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करके बस मार्केट जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दो और फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ और सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, इसके बाद रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद घर पर आके कोई काम नहीं होगा इस वजह से मैं सारे काम पहले ही कर लेती हूँ और फिर मार्केट चली जाऊँगी। तो सुकून से जितनी भी देर लगेगी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से व्लॉग भी मैं कोई नहीं बना रही हूँ क्योंकि वाकई में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने कल पकौड़े भी बनाए थे तो उसकी भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई। फिर इसके बाद मैंने आलू गोश्त की तायरी बनाई थी तो उसकी भी मैं नहीं बना पाई। बस आजकल ऐसा मौसम हो रहा है कि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, और फिर आपको पता है नज़ला ज़ुकाम ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं ऐसे मौसम में, फिर बारिश भी हो रही है तो काम बहुत ज़्यादा है। और ईद की तैयारियाँ, ईद की सफाइयाँ चल रही हैं, फ्रिज वगैरह साफ़ किया है, वो मैं भी दिखा भी दी आप लोगों को वीडियो में। तो चलिए जी, 6 बज चुके हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ और मार्केट से आकर फिर मैं अगले दिन मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि उस दिन मुझे रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वो काम वाम करने के बाद। तो अभी मतलब मैंने रूम की सफाई भी नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें ख़रीद के लेके आई मार्केट से पहले आप लोगों को वो दिखा दूँ। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही प्यारे से ये छोटे छोटे से चूज़े जो होते हैं वो लेके आई थी, और ये बचते हैं इसमें नीचे सीटी की तरह कुछ लगा हुआ है। तो एक मैंने उसको निकाल के दे दिया, इसमें से वो खेल रही है आजकल, उसको बहुत पसंद आएंगे। तो ये लेके आई थी मैं, और इसका जो साउंड है ना बड़ा ही क्यूट सा है, वॉइस ओवर की वजह से इसका साउंड आ नहीं रहा है इस वक्त। और इसके अलावा मैंने शूज़ वगैरह लिए हैं और 2 ड्रेसेस लिए हैं, और ईद के कुछ और ड्रेसेस भी हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी उसमें आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। करीमाबाद गई थी वो ड्रेसेस लेने के लिए, ये तो मैं अपने तरफ बॉर्डर पर मार्केट से लेने के लिए गई थी ये वाले, क्योंकि अभी शादी भी आ रही है एक मेरे ख़ानदान में, तो मेरी कज़न की शादी है तो उसके लिए भी मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए थे, तो मैं ये सारे लेके आ गई हूँ। तो किसी में ईद वीद पे और शादी वादी में सब चल जाएंगे, तो मैं इस लिहाज से लेके आ गई हूँ। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं सोचा चलो ले लेती हूँ। ये ऊपर डेनिम टाइप है और ये नीचे नेप लगी हुई है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि अपनी कज़न के वली में पहना दूँ हूरिया को। मेरी बेटी का नाम हूरिया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और इसके अलावा एक और ड्रेस लेके आई हूँ, वो तो मैं ऐसे ही ईद ईद पर पहना दूँगी किसी दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन। तो मैं अपनी अम्मी के घर पर जाती हूँ तो तीसरे दिन के लिए मैंने दूसरा ड्रेस लिया, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अगली वीडियो में। ये वाला लिया तो इसके स्लीव्स देख सकते हो कितनी क्यूट बनाई हुई, जबकि बच्चों के लोग बनाते हैं ऐसी स्लीव्स, तो मुझे ये कलर थोड़ा डिफरेंट लगा था, हुरिया के पास ये वाला कलर है नहीं तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते। इस पर डोरियाँ वोरियाँ भी लगी हुई हैं, बटन्स लगे हुए हैं, और इसके अलावा इतनी प्यारी सी कढ़ाई हुई है। तो इसका ट्राउज़र देखो, इस पर भी कढ़ाई हुई है, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था और हल्का सा कपड़ा है तो गर्मियों के लिहाज से बेस्ट है, क्योंकि मैं छोटी ईद पर ले चुकी हूँ ऐसे कपड़े जिनकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी मुझसे ज़्यादा हुरिया, क्योंकि इतने हैवी हैवी कपड़े पहना दिए मैंने इसको, तो इस बार इसलिए मैंने गलती नहीं करी। तो अब मैं ये शूज़ लेके आई कुछ घर में पहनने के लिए, और इसके अलावा बाहर आने जाने के लिए, तो ये 3 शूज़ लेके आ गई मैं हुरिया के लिए। मैंने कहा चलो आगे शादी भी आ रही तो चल जाएंगे, काम आ जाएंगे। ये वाला जो है बड़ा क्यूट लगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर व्लिटर टाइप है और नग वग लगे हुए हैं, तो इसके अलावा ये वाले भी बहुत ही अच्छे से हैं। तो मैं आप लोगों को छोटी ईद का बता रही थी, मैंने उसको कुछ हैवी ड्रेसेस ले लिए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी हुरिया को, और बहुत ज़्यादा फिट हो रहे थे इसके ड्रेसेस ना, तो इस वजह से मैंने कोशिश करी कि इस बार मैंने ऐसे ड्रेस नहीं लिए, मौसम के हिसाब से बच्चों के ड्रेस लेना चाहिए। इसके अलावा ये मैंने पर्स लिया अपने लिए, क्योंकि मेरे पर्स सारे ख़राब हो रहे थे, मेरे शादी के पर्स थे सारे, तो मैंने सोचा चलो एक तो ले लूँ, ये आने जाने में भी काम आएगा।
और थोड़ा बढ़ा लिया क्योंकि मुझे अब स्पेस ज़्यादा चाहिए, बट में हुरिया का भी थोड़ा बहुत सामान आ जाता है तो फिर सही है। कलर थोड़ा डार्क लिया है और इसके अलावा बस यही चीज़ें ली है, और थोड़ी सी और शॉपिंग मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो दूसरी मार्केट से की है शॉपिंग। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड मेम्बर में शेयर कर दो, इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।